वक्त मीडिया को संबोधित करते हुए कुछ कह रही है, सीधा वहीं चल लेते हैं। 15 सड़कों का टेंडर इन प्रोसेस है और जैसे ही टेंडर कंप्लीट होगा विद इन अ फ्यू वीक्स इन रिमेनिंग 15 सड़कों का भी काम शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसी सड़कें हैं जहां पे पूरी सड़क को रिकार्पेट करने की जरूरत नहीं है, पूरी सड़क को बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ पैचेस हैं, कहीं पे 100 मीटर सड़क खराब है, कहीं पे 50 मीटर सड़क खराब है, तो पैचवर्क के लिए 2,53,000 स्क्वायर मीटर्स को आइडेंटिफाई किया गया है पीडब्ल्यूडी की सड़कों में। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि विद इन द लास्ट वीक इटसेल्फ इसमें से 39,500 स्क्वायर मीटर्स का पैचवर्क ऑलरेडी हो चुका है और बाकी का हमारा टारगेट है दैट बाय 31 अक्टूबर रिमेनिंग जो पैचवर्क है उसको भी पूरा किया जाएगा। इस इंस्पेक्शन में 6,671 पॉट होल्स को आइडेंटिफाई किया गया जिसमें से 3,454 को ऑलरेडी भर दिया गया है और जो रिमेनिंग 3,217 है उनको भी आने वाले कुछ दिनों में रिपेयर कर दिया जाएगा। हमारी एक इंस्पेक्शन में यह भी एक बात निकल के आई कि कई सारी सड़कें डैमेज्ड हैं क्योंकि वहां पे डीएमआरसी का काम चल रहा है, सराय काले खान के एरिया में आरआरटीएस का काम चल रहा है, डिस्कॉम्स ने कई जगह अपनी लाइन्स ले करी हैं, तो जहां जहां पर किसी अन्य एजेंसी के काम के द्वारा की वजह से सड़कें टूटी हुई हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज इन सारी एजेंसीज के साथ हम पीडब्ल्यूडी की मीटिंग करवाएंगे सो दैट जहां पे डीएमआरसी ने रिपेयर करना है उसको भी तुरंत शुरू करवाया जाएगा, जहां पे आरआरटीएस ने रिपेयर करना है उसको भी तुरंत करवाया जाएगा। एक सड़क के बारे में स्पेसिफिकली मैं डिटेल शेयर करना चाहूंगी और वो है न्यू रोहतक रोड। न्यू रोहतक रोड जो टिकरी बॉर्डर जाती है नांगलोई मेट्रो स्टेशन से मुंडका होते हुए, वो शायद आज के दिन में दिल्ली की सबसे खराब हालत में सड़क है। उसका रीजन ये है कि न्यू रोहतक रोड के इंटीरियर में बहुत सारी अनऑथराइज कॉलोनीज भी हैं, वहां पे पॉपुलेशन बहुत बढ़ी है, सो ओवर टाइम जो वहां से पानी निकल कर आता है उसको अकोमोडेट करने के लिए न्यू रोहतक रोड का जो ड्रेन है उसकी कैपेसिटी कम पड़ रही है। दूसरा, इस साल मॉनसून में तकरीबन नॉर्मल से 2 गुना बारिश हुई है। नॉर्मली मॉनसून में दिल्ली में 600 एमएम बारिश होती है, इस बार 1000 एमएम से भी ज्यादा बारिश हुई, तो इसको ध्यान में रखते हुए न्यू रोहतक रोड पे एक नया ड्रेन पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया जा रहा है। ये ड्रेन नांगलोई मेट्रो स्टेशन से टिकरी बॉर्डर तक होगा, ये 2 पार्ट्स में होगा। नांगलोई मेट्रो स्टेशन से ड्रेन का एक हिस्सा हिरनकुदना ड्रेन में जाएगा और दूसरी तरफ से टिकरी बॉर्डर से ड्रेन का दूसरा हिस्सा भी हिरनकुदना ड्रेन में आएगा। ये एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है कि आने वाले समय में न्यू रोहतक रोड पे पानी ना आए और उसकी वजह से सड़क खराब ना हो। इसके लिए 183 करोड़ रुपीस का सैंक्शन पीडब्ल्यूडी ने दिया है फ्राइडे को एक एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी की मीटिंग में, तो 4 हफ्ते के अंदर अंदर इस ड्रेन पर भी काम शुरू हो जाएगा एंड इन पैरेलल न्यू रोहतक रोड की भी रीलेइंग का काम, जहां जहां गड्ढे हैं जहां पे भी पूरे पैचेस करने हैं जहां